people, I'm Oshin and welcome back to my channel. So guys, for today's video, I'm gonna do a challenge. My Instagram followers control my day. And guys, ये मुझे पता है ये काफी पुराना हो चुका है, ये trending बिल्कुल नहीं है ये जो theme है, लेकिन मैंने अपने channel पे कभी नहीं किया and मुझे अब करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ. And काफी funny होगा. And मैंने ये different छह polls डाल दिया मेरे Instagram पे. And अब उसकी जो rating आई है उस हिसाब से मैं अपने day को control करूंगी. तो guys, जो भी मैंने polls डाले थे वो मैं आपको किनारे side पे insert कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि किस पे कितने वोट्स आए हैं. एंड गाइज, ये वीडियो आप क्रिसमस के दिन पर देख रहे हैं, तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू. सो गाइज, इफ यू रियली लाइकिंग इट, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो गुड मॉर्निंग गाइज, एंड अभी मैं उठी हूँ एंड आई जस्ट फ्रेशन अप. एंड अब मैंने जो सबसे पहला पोल मैंने डाला था, डू यू वॉन्ट टू कंट्रोल माई डे, एंड आप सब लोग मुझसे मोस्टली 75% लोगों ने येस बोला है. एंड गाइस, फिर जो फर्स्ट मैंने डाला था वो था वर्कआउट, तो वर्कआउट पे मैंने डाला था योगा या फिर एक्सरसाइज, तो मोस्टली लोगों ने योगा में वोट किया है एंड योगा विन कर रहा है. एंड मैं योगा ही करती हूँ, तो रोज सुबह उठ के मैं योगा ही करती हूँ एंड वही विन कर रहा है, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज कौन सी करनी थी मुझे नहीं पता थी. तो थैंक यू कि आपने योगा को वोट किया. एंड गाइस, योगा मैं यही कर रही हूँ, लेकिन यूजली मैं रोज बाहर करती हूँ धूप में, ठंड में, बिकॉज धूप में अच्छा लगता है, लेकिन आज मुझे शूट करना है तो मैं अंदर ही कर रही हूँ. एंड योगा करते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं ब्रेकफास्ट पे. सो गाइज, आफ्टर डूइंग योगा मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ, बिकॉज यहाँ काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बीच में बैठना हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है. एंड इसके योगा के बाद हमें डायरेक्ट जल्दी से कुछ खाना भी नहीं चाहिए. कुछ लोग खा के योगा करते हैं, बट मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, मैं पर्सनली ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ. तो इसके बाद मैं जाके ब्रेकफास्ट करूँगी. एंड ब्रेकफास्ट में आप लोगों ने हेल्दी और जंक में से हेल्दी ऑप्शन सेलेक्ट किया है, ओके, तो हम इसके बाद जाके हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करते हैं. गाइज, आपको डेट्स रोज लेना चाहिए ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं. एंड मैं 4 डेट्स रोज खाती हूँ, मतलब रोज, ठंड में तो आपको लेना ही चाहिए. बहुत ईजली मिल भी जाते हैं आपको मार्केट में, एंड बहुत इनका प्राइस भी काफ़ी लो है और एनर्जी भी बहुत देते हैं. सो गाइज, मैंने उसके बाद एक और पोल डाला था, व्हाट नेक्स्ट, एंड आप लोगों ने सेलेक्ट, मैंने उसमें डाला था टेक अ बाथ और स्किप फॉर टुडे. एक्चुअली में ठंड चल रही है, तो मैं एक दिन नहाती हूँ एंड एक दिन मैं स्किप करती हूँ, तो यस, येस्टरडे आई हैव नॉट टेकन बाथ, सो आज तो मुझे नहाना ही था. बट अगर आप लोग नहीं सेलेक्ट करते तो आज फिर से स्किप कर देती, लेकिन आई हैव टू टेक अ बाथ. सो अभी मैं जल्दी से जाती हूँ एंड आई टेक अ बाथ, एंड उसके बाद मैं आप लोगों से आके मिलती हूँ. सो गाइज, आई हैव टेकन बाथ एंड उसके बाद मैंने एक और पोल डाला था, वो था स्किन केयर एंड मेकअप, मतलब मैं स्किन केयर करूँ या मेकअप करूँ. सो मोस्ट ऑफ यू वोटेड फॉर स्किन केयर एंड येस. तो गाइज, सबसे पहले फेस वॉश, जब मैं बाथ लेती हूँ तभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ, एंड उसके बाद मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है एंड माई स्किन इज स्क्रीमिंग फॉर द मॉइस्चराइजर, लेकिन मैं आज स्क्रब कर रही हूँ एंड उसके बाद मैं मास्किंग करूँगी, जो कि मेरा फेवरेट है. तो स्क्रब के लिए मैंने शहद और दालचीनी ली है. मैं मोस्टली शुगर लेती हूँ, बट मतलब क्रश किया हुआ शुगर, लेकिन आज मैंने ये दालचीनी ली है, बिकॉज ये भी काफ़ी अच्छी रहती है. तो मैं जल्दी से स्क्रब कर लेती हूँ. बहुत सारे यू नो स्क्रब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बट यू नो मुझे ना ये होममेड ही बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया. बस मैंने एक वॉलनट का ट्राई किया, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा, एंड इसके बाद मेरी स्किन ना एकदम सॉफ्ट हो जाती है.
ओ सॉरी मैं ये लगाना भूल गया, इनमें बालों में लग रहा है। सो गाइज आफ्टर डूइंग स्क्रब एंड अब मैं मास्किंग करूंगी एंड ये शीट मास्क मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एंड ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग होते हैं। तो ये मैंने मीशो से मंगाया था एंड ये चाइनीज है एंड मैंने इसे अभी एक भी बार ट्राई नहीं किया है तो मैं फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करने वाली हूँ। एक्चुअली में मैंने मीशो से पहली बार शीट मास्क मंगाया है एंड ये काफी मुझे सेल में काफी लो प्राइस में मिल गया। आप इसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि ये कैसा है। ये सीरम तो काफी ठीक ठाक सा है। तो गाइस अब मैं वेट करूंगी आराम से 15-20 मिनट एंड इसके अंदर जो सीरम है वो मैं अपने नेक और हैंड्स में अप्लाई करूंगी बिकॉज ये सीरम काफी अच्छा होता है, काफी हाइड्रेटिंग होता है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाइस ये जो शीट है ना, ये जो मास्क है, ये काफी थिन है बट मुझे काफी स्मूथ फीलिंग आ रही, बहुत सूदिंग फीलिंग आ रही, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है एंड इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है क्योंकि सीरम इसमें काफी ज्यादा है। सो गाइज 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड जो एक्स्ट्रा सीरम था वो मैंने अपने नेक पे एंड हैंड्स पे अप्लाई कर लिया था तो अब मैं ये निकाल रही हूँ एंड शीट मास्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड अब ये जितना भी सीरम है मैं इसे अपने स्किन में अब्जॉर्ब होने दूंगी। मैं इसे पोछूंगी नहीं या फिर मैं वॉश नहीं करूंगी एंड आपको भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड एक्स्ट्रा सीरम मैं अपने हैंड्स पे और लगा लूंगी। सो गाइज इसके बाद मैंने एक पोल डाला था दैट आई शुड पोस्ट अ रील और कम लाइव, तो आप लोगों ने लाइव सेलेक्ट किया है तो मुझे अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना है कि मैं आई थिंक 5 or 6 PM पे लाइव आऊँगी तो वो स्टोरी डालना है एंड उसके बाद मुझे आज यू नो वो क्रिसमस कैप जो होती है ना उसके साथ एक फ़ोटोशूट भी करना है कल के लिए, मतलब क्रिसमस के लिए, तो मतलब मुझे पोस्ट डालने के लिए शूट करना है तो वो मैं शाम को आपको उसका थोड़ा सा स्नीक पीक दूंगी एंड उसके बाद मैं और भी बताऊंगी जो जो मैंने पोल्स डाले थे। सो गाइज अभी चलते हैं। सो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ बिकॉज मुझे लाइव आना है बिकॉज मैंने पोल डाला था कि आई शुड पोस्ट रील और कम लाइव, तो आप लोगों ने बोला था कम लाइव तो मुझे लाइव आना है। मैं ज़्यादा लंबा लाइव सेशन नहीं करूँगी बिकॉज मुझे इसके बाद डिनर भी देखना है जो कि आप लोगों ने आलू पराठा सेलेक्ट किया है डिनर के लिए और मैं सोच रही थी कि मैंने वो यू नो क्रिसमस वाली हैट होती वो कैप होती है वो जो सेंटा वाली, तो उसके साथ मैं एक दो पिक्स भी क्लिक कर लूँ ताकि मैं कल उसे पोस्ट कर पाऊँ मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड अगर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ आके फॉलो करिए वहाँ पे एंड अब मैं जल्दी से लाइव आती हूँ एंड उसके बाद हम डिनर का देखते हैं। एक्चुअल में यार लाइव आने का ना क्या बोलूँ मैं, टाइम ही नहीं मिलता ज्यादा, कैसा लगा बहुत अच्छा। नहीं मैं रांची से हूँ, मैं सदर से नहीं हूँ आयुष। सो गाइज आई हैव कम्प्लीटेड माई लाइव सेशन एंड मैंने एक रील भी पोस्ट कर दी है एंड मेरा फोटोशूट भी कम्प्लीट हो गया है। सो जो लास्ट पोल था, या माई सिस्टर इज सेइंग हाई टू यू, तो जो मेरा लास्ट पोल था वो था डिनर का एंड मैंने उस पर डाला था पिज्ज़ा या आलू पराठा एंड आप लोगों ने आलू पराठा सेलेक्ट किया है तो चल के आलू पराठा बनाते हैं एंड लास्ट चीज़ पूरी करते हैं उसके बाद मैं वीडियो को एंड करती हूँ। तो आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहा सो अभी चलते हैं आलू पराठा बनाते हैं। गाइज दिस इज माई डिनर एंड ये काफी टेम्पटिंग लग रहा है एंड यू नो आलू के पराठे मेरे फेवरेट हैं तो अब मैं आराम से अपना डिनर करने वाली हूँ टीवी देखते हुए एंड मैं सबसे पहले आपको टेस्ट करके बता देती हूँ। इसके साथ मैंने टमाटर की चटनी बनाई हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। सो गाइज
guys, hope you enjoyed this video, and if you really do, please do subscribe to my channel and hit the bell icon also. So we'll meet in the next video. Till then, goodbye, take care, stay tuned, be beautiful, be safe, and once again, Merry Christmas.